हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो यार अभी मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और उसके पीछे का रीज़न था भाई मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और इन्हीं के चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और आज अपन लोग बात करने वाले हैं प्लेटिना 100 के न्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि यार बजाज ने रिसेंटली ही प्लेटिना 110 के न्यू मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें अभी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिले हैं और फर्स्ट इन द सेगमेंट ABS भी देखने को मिल गया है, जिससे ये तो कन्फर्म है कि बजाज अपनी प्लेटिना सीरीज को अब काफ़ी अपडेट करने वाला है और प्लेटिना 100 का न्यू मॉडल भी आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। और प्लेटिना 100 के न्यू मॉडल में आपको काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को प्लेटिना 100 के न्यू मॉडल के बारे में A to Z डिटेल से जानना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और इसी तरह बाइक की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेटिना 100 के न्यू मॉडल में आपको उतने फीचर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे जितने आपको अभी स्प्लेंडर एस्टेक में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसमें अब आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर और डिजिटल में आपको फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, क्लॉक, टर्न बाई टर्न नेविगेशन और भी कुछ एडवांस फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट की साइड में आपको बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन की LED DRL देखने को मिलेगी, बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। रियर की साइड में आपको वही टेल लाइट देखने को मिलेगी और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिल जाएंगे। टायर साइज के बारे में बात कर लें तो इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर की साइड में भी आपको 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको बिल्कुल ही न्यू कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ही न्यू फ्रेश ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी इंजन में आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला है, इंजन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएगा, गेयरबॉक्स आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएगा, सस्पेंशन आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएंगे, माइलेज भी आपको पहले से सिमिलर देखने को मिल जाएगा। और बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में तो मान के चलिए कि इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 1 से लेकर 2 हज़ार रुपये तक इंक्रीज होने वाली है और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में बात कर लें तो प्लेटिना 100 का न्यू मॉडल आपको जनवरी के एंड में, नहीं तो फिर फरवरी के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।